दोस्तों आज जो कॉमिक कंपनी है उसका नाम है अंगारा और सिंहराज। ये सेकंड पार्ट है, इसका पहला पार्ट है अंगारा का जन्मदिन। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, नहीं तो स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। और अगर आप अंगारा के बारे में नहीं जानते तो इसका पहला पार्ट अंगारा पढ़े। ये सारी कॉमिक्स आपको मिल जाएगी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, अंगारा का फोल्डर है उसके अंदर। तो पढ़ते हैं इसको। ये यहाँ पर जो स्टोरी है इसके पहले पार्ट की है, तो इसको आप पढ़ लेना। ये आपने पढ़ लिया होगा तो मैं आगे से पढ़ता हूँ यहाँ से। परंतु तो मौके पर चार सिंह राज को ले उड़ा। अब आगे पढ़े। अब हम अंगारा द्वीप से मिलो दूर आ चुके हैं। यह जगह अंगारा के खतरे से दूर है। चल एक सुनसान टापू में उतरा। अब यह बताओ प्यारे कि तुमने सारा अखाड़ा किसने जोड़ा था और तुम हो कौन? अंगारा से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? क्या तुम वही चाल रहे हो जो अंगारा का जानी दुश्मन है? हाँ मार्गरेट चाली, लेकिन लेकिन तुमने उसकी मदद क्यों की? अरे उसने मुझे फिर धोखा दिया। मैं गुप्त छुप कर उसकी गुप्त वार्ता सुनने पहुंचा तो वहां वह कहने लगा कि उसने नकली पेंचतुम्बा को मारा है और यह खोपड़ी आए। अरे खोपड़ी तो अंगारा द्वीप में ही रह गई, मैंने उसे नकली खोपड़ी समझ कर ठोकर मार दी थी। सिंहराज अपने प्यारे प्रिंस को ठोकर मारी मैंने। रो मत चाली, तू तो मार्गरेट है। मैं अंगारा का सिर काट कर उसकी खोपड़ी को इतनी ठोकरें मारूंगा कि किसी फुटबॉल को भी इतनी ठोकरें नहीं पड़ी होगी। मेरे आका की खोपड़ी उस गुप्त गुफा में रह गई जहां मैं छिपकर बातें सुनता था, और मेरी मौजूदगी का पता अंगारा को लग गया था। इसलिए तो वह मुझे सुनाने के लिए बकवास करता रहा कि टुम्बा जिंदा है। लेकिन तेरा क्या चक्कर सिंहराज? जैसे उसने मेरे तेरे आका को मारा है वैसे उसने मेरा भाई भी मारा है। तुम्हारा भाई? हाँ बुलडॉग मेरा भाई था, और मैं बरसों से पहाड़ों में तपस्या कर रहा था। बुलडॉग भी हमेशा यही समझता रहा कि मैं बर्फ की पहाड़ियों में मर खप गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैं वहां साधना कर रहा हूँ। मैंने तंत्र योग और विज्ञान की तपस्या की है। दोस्तों बुलडॉग की सीरीज मैंने छोड़ रखी है, अभी इसको बाद में पढ़ूंगा। ये कोई ज्यादा खास नहीं थी इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था, लेकिन बाद में इसको पढ़ूंगा जरूर मैं। तो फिलहाल इसको पढ़ते हैं। एक आध चमत्कार हमें भी दिखाओ। देखो मैं यहाँ खड़े खड़े अपने शरीर को सूक्ष्म अणुओं में विसर्जित करके हवा में विलीन हो सकता हूँ, है गायब हो गया दूसरे पल, और देखो मैं फिर प्रकट हो गया। बहुत अच्छे, मगर यह धुएं में गायब हो जाना तो हमारे जादू का टुंबा भी जानते थे। वह मैसमेरिज्म यानी जादू दिखाता होगा। मैं विसर्जित होता हूँ टेलीविजन प्रक्रिया की तरह दूसरी जगह अपने अणुओं को एकत्रित करके शरीर धारण कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं पानी की सतह पर भी चल सकता हूँ, देख लो। अरे वाह, बिना हवा पानी के लंबी अवधि तक समाधि लगा सकता हूँ, और मेरा शस्त्र फरसा भी मेरी तरह विसर्जित कर सकता हूँ, और मैं जब चाहे उसे प्रकट कर सकता हूँ। देखो क्या तुम भी बुलडॉग की तरह शैतान के उपासक हो? नहीं, मैं कमांडो ड्रैगन का उपासक हूँ। उससे मैं जानवरों के मैं सबसे श्रेष्ठ जानवर शेर की सवारी कर सकता हूँ। वह मेरी आज्ञा को टाल नहीं सकता, इसलिए मुझे सिंहराज कहा जाता है। इस जंगल में अगर कोई शेर है तो फौरन चलाए जय ड्रैगन देवता, जय जय कमांडो ड्रैगन। गुर्र, आओ चलिए अब हम इस पर सवार होकर चलते हैं। देखो जब मैं शेर पर सवारी करता हूं तो सब जानवर मुझे नमन करते हैं। वे लोग कौन थे जो तुम्हारे लिए ग्रोह की तरह काम कर रहे थे? वे सब लोग कमांडो ड्रैगन के उपासक हैं जो मेरे माध्यम से ड्रैगन के दर्शन करना चाहते हैं। कमांडो ड्रैगन यह किस बला का नाम? एक अमर शक्ति है जो तंत्र मंत्र और शक्ति का देवता है। बुलडॉग भी उसका उपासक था, किंतु बुलडॉग तो शैतान का पुजारी था। बेशक पृथ्वी पर कमांडो ड्रैगन शैतान का उत्तराधिकारी है। बुलडॉग की मौत के बाद अंगारा ने कमांडो ड्रैगन को चुनौती दी है, और हम उसे खूब गुलाम बनाकर ड्रैगन के सामने पेश करेंगे। कमांडो ड्रैगन अंगारा द्वीप पर अपना आधिपत्य चाहता है और अंगारा को अपना गुलाम बनाना चाहता है। चलो उतरो शेर से, चल भाग। अब मैं चलता हूँ कहाँ? अंगारा द्वीप, क्योंकि वहां मेरे भक्त खतरे में है। दोस्तों गर्मी के कारण वो ये पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो थोड़ी हकलाहट हो रही है, तो इसको इग्नोर करना और कॉमिक्स को एंजॉय करना। उधर अंगारा द्वीप पर अंगारा ने सिंहराज के बचे खुचे आदमियों को बंदी बना लिया था। तुम सब ने मेरे जन्मदिन पर रंग में भंग किया है। तुम में से कुछ मारे गए और तुम्हारा आका भाग गया। जो जानवर के खाकर बेहोश हो गए थे, देखो वे सब तुम्हें कच्चा चबाने को तैयार खड़े हैं। बताओ तुमने यह सब क्यों किया था? हम सब कमांडो ड्रैगन के पुजारी हैं और सिंहराज हमारा बॉस है। हमने सिंहराज की आज्ञा का पालन किया।
कमांडो ड्रैगन वह क्या है? वह तंत्र मंत्र और शक्ति का देवता, पृथ्वी पर शैतान का प्रतीक है। वो तो तुम शैतान के उपासक हो। अब मुझे यह बताओ कि ड्रैगन कहाँ रहता है? यह बात हम नहीं जानते, वे ही बता सकते हैं जिन्होंने ड्रैगन के दर्शन किए हैं। वो ड्रैगन का दर्शन करने वाला पुजारी या बोस कहा जाता है। क्या सिंहराज ड्रैगन का पता ठिकाना बता सकता है? हाँ, सिंहराज बड़ा पुजारी है, ये वह बोस है कि यूनिट का सेनापति सुजुकी। फिलहाल उन्हें काले गुफा में कैद कर दो। उचित है श्रीमान। सुजुकी ने उन्हें काले गुफा में कैद कर दिया। काली गुफा के पहरेदार दो शेर थे। अगर इनमें से कोई भागने की कोशिश करे तो तुम इन्हें फाड़ डालना। ठीक है, वैसा ही करेंगे। कानून तोड़ने वाले को मौत की सजा होगी। सिंहराज रात के समय काली गुफा में प्रकट हुआ। सिंहराज की जय हो, तुम लोगों को इस अंधेरी गुफा में कैद किया गया। हाँ बोस, यह काली गुफा, और यहाँ कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। बाहर शेर पैरा दे रहे हैं। शेरों से डरो मत, अगर वे शेर हैं तो मैं शेरों का राजा हूँ। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ कैद है? वायुमंडल की तरंगों से मैं अपने भक्तों के मस्तिष्क की तरंगें पकड़ता हूँ और फिर शव को विसर्जित करके उस जगह प्रकट कर देता हूँ जहाँ से तरंगें प्रवाहित होती है। मेरा कोई भी सेवक जो कमांडो ड्रैगन की पूजा करता है, वह कहीं कहीं भी विपत्ति में मुझे याद करेगा तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। अब मैं क्या करना बोस? सबसे पहले मैं तुम लोगों को अंगारा द्वीप से बाहर ले जाऊंगा। अंगारा द्वीप के बंदरगाह पर अब कोई ना कोई जहाज अवश्य होगा, मैं पहले वह देखाता हूँ। सिंहराज अदृश्य होकर बंदरगाह पर प्रकट हुआ। वो यह बल्लारा देश का जहाज है, काम का है, पहले इस पर अपना कब्जा करता हूँ। सिंहराज ने जहाज पर चढ़कर वहां के रक्षकों पर धावा बोल दिया। भ्यूम! रक्षकों का सफाया करके सिंहराज पुर काली गुफा में प्रकट हुआ। सुनो, मेरे पीछे पीछे आओ। ये शेरों, तुम्हें पता है मुझे शेरों पर सवारी करने का वरदान प्राप्त है। सुनो, तुम सब जानवरों को समझाते रहना कि यह देवता की सवारी है। जो आज्ञा। वे सब तट पर जा पहुंचे। चलो अब जहाज पर कब्जा करो और कुछ कर चलो। अगले दिन सुबह, हमसे भूल हुई, हमें दंड दो देवता। वे हम पर जादू चला गया और खुद समुद्री जहाज से भाग निकला। यह नहीं हो सकता, अंगारा देश के शेरों पर कौन जादू चला सकता है? जटायु, चलो जहाज को समुद्र में गिरने के लिए वेल रानी की मदद जरूरी है। सागर की सतह पर चलो। वेल रानी, कम ऑन। शीघ्र ही वेल रानी बालाकर पानी की सतह पर प्रकट हुई। कहिए स्वामी, क्या आज्ञा है? अंगारा द्वीप के बंदरगाह से एक जहाज समुद्र सफर पर रवाना हुआ है, पता लगाओ जहाज किधर गया। हे स्वामी, क्या आप बता सकते हैं कि मछलियां जहाज की पहचान कैसे करेंगी? जहाज की दीवारों पर बल्लारा का राज चिन्ह है, उस पर बल्लारा का झंडा भी लगा होगा। यह जहाज बल्लारा देश ने हमारी सेवाओं के लिए बेचा था। वेलरानी ने पानी में गोता लगाया। यह मछलियों, सारे सागर की मछलियों को खबर कर दो कि बल्लारा के चिन्ह वाला जहाज तलाश करे। चलो जटायु, अब हम आकाश से देखते हैं। जटायु, तुम्हारी दृष्टि तो मुझसे भी दूर तक देख सकते हैं, क्या तुम्हें कहीं कोई जहाज नजर नहीं आता? जहाज तो नजर आ रहे हैं, परंतु वह जहाज नजर नहीं आ रहा जिसकी तलाश आपको है। उधर जहाज में किसी भी देश की समुद्री सीमा में प्रविष्ट होने के नियम होते हैं और हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि नहीं, किंतु ऐसा एक समुद्री तट अवश्य जहां में कोई असुविधा नहीं होगी, वह ड्रैगन समुद्र है। क्या कमांडो ड्रैगन उस समुद्र में वास करते हैं? वह एक टापू है जहां कमांडो ड्रैगन का साम्राज्य है, उसी के तट तक पहुंचने वाले समुद्र को ड्रैगन सी कहते हैं। हमें वहां पहुंचने में काफी वक्त लग सकता है, किंतु इस जहाज में पर्याप्त तेल और खाद्य सामग्री है। तुम लोग इत्मीनान से ड्रैगन आइलैंड की यात्रा करते रहो, मैं एक और मेहमान को लेकर आता हूं। सिंहराज जहाज से ट्रांसफर होकर उस स्थान पर पहुंचा जहां चार्ली मौजूद था। क्या तुम अंगारा द्वीप जाकर आए? हाँ, अपने सेवकों को छुड़ाकर ड्रैगन आइलैंड की तरफ रवाना करके आया हूँ। बोलो मिस्टर चार्ली, क्या तुम हमारे साथ ड्रैगन आइलैंड चलना पसंद करोगे? ओ सर, अब मैं भी कुछ जंतर मंतर जादू टोना सीखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दृश्य करके ट्रांसमिट नहीं कर सकता, इसलिए तुम मुझे उड़ाकर उस दिशा में ले चलो, मार्ग मैं बताऊंगा। ठीक है, चार्ली सिंहराज को लेकर उड़ चला। उधर आकाश पर सैकड़ों मील दूर तक देखने वाला जटायु भी अंगारा को लेकर उड़ रहा था। चारों तरफ दृष्टि दौड़ाओ जटायु, कहीं तो वह जहाज नजर आएगा। तभी मिल गया। क्या जहाज नजर आया? नहीं ग्रेट सर, लेकिन वहां चार्ली आकाश पर कुलाचे भर रहा है और सिंहराज उसके साथ ही है। घेर लो उन्हें आकाश पर ही।
चाली को पता ही न था कि जटायु पीछे लग गया। मेरी दुख भरी कहानी है सिंहराज की। मेरे आका ने मुझे सूर्य की किरणों से काम करने वाला मशीनी मानव बनाया। मैं सूर्य से एनर्जी लेकर बड़े से बड़ा किला फतह कर सकता हूँ, परंतु अंधेरा होते ही लुंज पुंज हो जाता हूँ। मेरे साथ भी एक कमजोरी है, क्या? जब तक जमीन से अर्थिंग नहीं मिलती, मैं अपने को कणों में विसर्जित नहीं कर सकता। जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब वास्तव में एक प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति है। अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो नेगेटिव के संपर्क में आए बिना चमत्कार नहीं हूँ, और फिर मेरे मेरी नेगेटिव अर्थिंग है। यह पक्षी चाली ऊपर ऐसी छत बना दो कि उसे सूर्य की रोशनी न मिले। अंगारा के पुकार सुनते परिंदे चाली की ओर चल पड़े। आई ये चील कोवे मेरे ऊपर क्यों मंडरा रहे हैं? मैं कोई मरा हुआ जानवर तो हूं नहीं। इनका इरादा कुछ ठीक नहीं लगता, ये मेरे ऊपर छत बना रहे हैं। इनकी तो ऐसी की तैसी, मैं रफ्तार बढ़ाता हूँ। चार्ली अपनी रफ्तार बढ़ाकर आगे निकल गया, लेकिन है पक्षी चारों दिशाओं से आ रहे हैं। सिंहराज जरूर आसपास कहीं अंगारा है। वह मेरे चारों तरफ अंधेरा फैला देना चाहता ताकि मैं उड़ान न भर सकूं। सिंहराज, हमें तुरंत नीचे उतरना चाहिए। अचानक सिंहराज के हाथ में फरसा प्रकट हुआ। चार्ली, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें अपने फरसे से काट छांट कर रास्ता बनाता हूं। लेकिन तभी आए, मैं चाहूं तो तुम्हें खत्म भी कर सकता हूं। सिंहराज, तुमने देख लिया होगा कि मेरा निशाना कितना चूक है। तुम अंगरादी के मुजरिम हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। दरमियान पक्षियों ने छत पूरी करके चार्ली पर अंधेरा फैला दिया। मैं अपना कारा हो गया सिंहराज। सिंहराज ने नीचे सागर देखा और चार्ली को छोड़कर नीचे कूद गया। चार्ली भी कलाबाजा खाता नीचे गिरने लगा। यह मूर्ख समझता कि सागर में बच जाएगा। कमोन वेलरानी, पकड़ लो सिंहराज को। वेलरानी ने सिंहराज को दबोच लिया। वेलरानी, तुम उसे अंगारा द्वीप पर ले जाओ, मैं उस जहाज को ढूंढता हूं। इसका सारा ध्यान सिंहराज की तरफ है। रास्ता साफ है बेटा चार्ली। अब पक्षियों का छत न होने के कारण चार्ली सूर्य किरणों से एनर्जी प्राप्त कर सकता था। उसने बताया था कि समुद्र में उसके आदमी एक जहाज में है और जहाज पर बलारा देश का चिन्ह है। कुछ ही पलों में चार्ली बहुत दूर निकल गया। खतरा टला, अब जहाज तलाश करता हूँ। वो रहा जहाज। अबे क्यों गोलियां खराब कर रहे हो? मैं चार्ली तुम्हारा मित्र हूँ, दुश्मन नहीं। सिंहराज को अंगारा ने पकड़ दिया है। अब अगर तुमने मुझ पर गोलियां चलानी बंद नहीं की तो तुम्हारी खाल में भूसा भर दूंगा। यह वही बोना जिसने अंगारा का साथ दिया था। यह बोना जासूस है अंगारा का, पकड़ लो इसे। अबे मुझे बोना कहा? तूने अभी बताता हूँ कौन कितना बोना है। ओह ई ओह देखते देखते चार्ली ने उनकी खूब ठुकाई की। अब बोल, मैं बोना कि तू बोना? मैं बोना, मेरा बाप बोना। जा तुझे छोड़ दिया, अब कौन बोलता मुझे बोना? हम सब बोने, हमारे बाप दादा बोने। देखो तुम्हारे आका वेल के जबड़े में फंस गया और अंगारा इधर भी आ सकता है, इसलिए अब मेरी अकल से काम लो। यह जहाज में इस जहाज में यह तोप है। इस तोप से सबसे पहले वेल का सफाया कर दो, उसके बाद जटायु का, फिर अंगारा अपाहिज हो जाएगा। ग्रेट सर, मैं दूर से उस जहाज को देख रहा हूँ। देख पर चार्ली तोप ले खड़ा है। ठीक है चार्ली, को यह हसरत भी पूरी करने दो। वो देखो आकाश पर अंगारा, पहले इससे निपटते हैं। तोप के गोलों से बड़ी फुर्ती से बसते बसते जटायु जहाज के नजदीक आने लगा। यह तो जहाज की डेक पर उतर रहा है। तूने मुझसे मेरे आका की खोपड़ी छीन ली, मैं आज तेरी खोपड़ी उतार के रहूंगा। फेंक दिया उठा के। पहले अपनी खोपड़ी बचा चार्ली। अंगारा ड्रैगन सेवको की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी सिंहराज अचानक प्रकट हुआ। हा हा हा, मुझे सबसे लाभ उठाकर अंगारा द्वीप पहुंचना चाहिए। अंगारा सिंहराज से उलझ गया है। मैं प्रिंस टुम्बा की खोपड़ी ले आता हूँ। चार्ली अंगारा द्वीप की तरफ लपक पड़ा। तू क्या सोचता है, मुझे कैद कर लेगी? कर लेगा। देख मैं बेल के चपड़े में नहीं, यहाँ खड़ा हूँ। तूने मेरे भाई बुलडॉग को मारा अंगारा। अचानक सिंहराज के हाथ में फरसा प्रकट हुआ। देख इस फरसे से मैं तेरी गर्दन काटूंगा। कमांडो ड्रैगन का मंत्र पढ़ने के बाद यह बिजली की रफ्तार से अपना काम खत्म करके वापस मेरे हाथों में आ जाएगा। हवा में उठता जटायु यह सब देख रहा था। यह बात सिर्फ मैं जानता हूं कि मुझ पर कोई मंत्र शक्ति काम नहीं करेगी। यह शस्त्र स्वामी की गर्दन तक पहुंच गया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। जय कमांडो ड्रैगन, उड़ा दे अंगारा का सर, बादेश का खून। जटायु ने फरसा दबोच लिया।
इसने मेरा शस्त्र पकड़ दिया। ए ड्रैगन मेरा शस्त्र वापस दिलाओ। हाँ हाँ देख फिर फरसा मेरे फिर मेरे हाथ में है, लेकिन मैं तुझे उठाई देता हूँ। अब मैं किसी चीज का विसर्जन नहीं कर सकता क्योंकि मैं हवा में हूँ। और हवा में लटक रहे सिंहराज के हाथों से फरसा भी गायब हुआ। फिर अंगारा ने सिंहराज के आदमियों को कैद किया और जहाज के बंदी स्टाफ को आजाद किया। अब इन कैदियों को लेकर अंगारा द्वीप पहुंचा। मैं सिंहराज को बंदी बनाकर ले जा रहा हूँ। अंगारा वेल पर सवार हुआ और वे सब अंगारा द्वीप की तरफ जाने लगे। अब देख सिंहराज, तू जटायु के पंजे में हवा में सफर करते हुए अंगारा द्वीप पहुंचेगा। अब तुझे बताना होगा कि तुम लोगों की मुझसे क्या दुश्मनी है और कमांडो ड्रैगन कौन है। स्वामी अपने शरीर को सूक्ष्म कणों में तब्दील करके दूसरी जगह जा सकता है, इसलिए मैं इसे अपने जबड़े में कैद न रख सकी। मैं इसे हवा विहीन शीशे के जार में बंद करके परीक्षण करूंगा। अंगारा जब अपने द्वीप पहुंचा, पकड़ो पकड़ो वेरा चालीस शैतान, राजस्व में रखी प्रिंस टुम्बा की खोपड़ी लेके भाग रहा है। अंगारा जी द्वीप में यह भगदड़ कैसी, इस खोपड़ी के बिना तो चार्ली का जीवन बेकार है। यह मेरे स्वामी प्रिंस टुम्बा की खोपड़ी है जिसको अंगारा ने मार डाला था, और मैं एक दिन प्रिंस टुम्बा को जादू तंत्र मंत्र से जरूर जिंदा करूंगा और अंगारा से प्रिंस टुम्बा की मौत का बदला लूंगा। चार्ली मेरी मदद करो, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सिंहराज, रात होने वाली है। और चार्ली रात होने से पहले फरार हो गया। अंगारा वेलरानी की पीठ से उतर कर अंगारा द्वीप पर आया। अब सिंहराज के लिए शीशे के बड़े जार का बंदोबस्त करना है। वो जटायु सिंहराज को लेकर हवा में ही उड़ता रहा। थोड़ी देर बाद अंगारा ने एक शीशे का जार हवा में लटका कर रखा और जटायु अब इसे जार में डाल दो। जटायु ने सिंहराज को जार में डालकर अपने पंजों से ढक्कन बंद कर दिया। अब देखता हूं तो इस शैतान से कैसे निकलता है, ये वहां से हवा भी आर पार नहीं हो सकती। तो दोस्तों इससे आगे का पार्ट है अंगारा बोनो के देश में, तो इसको मैं पढ़ूंगा अगले अगले हफ्ते। और कॉमिक्स अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आजकल गर्मियों में थोड़ी परेशानी होती है पढ़ने में, क्योंकि तो पंखा ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो फिर बैकग्राउंड नॉइज होती है इसमें रिकॉर्डिंग में। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।